अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, E7 के आयरन में है। ये अजीम भाई ने भेजी है जी, दारा वाला से आई है। ये देखें तो इसे हम करते हैं अब रिपेयर, देखते हैं इसमें क्या मसला है। तो इसे चेकिंग करते हैं, इसके पहले कोल्ड चेकिंग ही कर लेते हैं, इसके वोल्टेज देने से पहले वैसे देख लेते हैं हम। तो बाजार तो किसी में कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आता होता पीसीबी में, तो ऐसे भी ये ठीक है सारी। तो देख लेते हैं इसको, अब वोल्टेज देने से पहले हम इसको चेक करते हैं, इसे कूल्ड चेकिंग इसकी मीटर से करते हैं। जो आवाज़ आपको साउंड आ जाएगी, मीटर हमने लगा लिया बदर पे, और ये मेरा नंबर है, कनेक्ट नंबर। अगर किसी ने कोई काम का मसला हो या जो कुछ हो पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं इस नंबर पे हमें। तो सबसे पहले हम इसमें E7 के आयरन में इसको चेक कर लेते हैं, इसकी SMPS सप्लाई का IC चेक करते हैं, उसके बाद बाकी सारा सिस्टम चेक कर लेते हैं हम। ये भी ठीक है, कैपेसिटर चार्जिंग इसमें आ गई है। तो अब हम इसका चेक कर लेते हैं यहाँ से, बाकी सिस्टम ठीक है। तो इसके बाद इसका सबसे पहले IPM चेक कर लेते हैं हम। IPM चेक करने से पहले आप IPM चेक पहले शार्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे ये देखिए मीटर आपको दे रहा है बगल। तो ये शार्ट मैंने इसकी, ये देखें यहाँ पे भी ये नहीं है। तो इसके बाद इसको करेंगे हम डायोड मोड पे, यहाँ से ये देखें आपको नज़र आ रहा हो। देखें अगर लाइट का कोई इशू हो तो लाइट साइड पे कर दिया करें, ताकि किसी बंदे को कोई लाइट का इशू ना हो जी भाई। इसके बाद यहाँ पे आ गए, तो ये देखें ये अजीब मसला है। ये देखें ये डिस्क, हाँ मीटर हमारा ठीक है भाई, लेकिन ये अंदर से इसको ये देखें डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो देखें मीटर जीरो से कुछ भी नहीं, मीटर शो ही नहीं कुछ कर रहा है। ये देखें डायोड मोड पे डबल दिखाया करें जी, डबल डबल ऐसे दिखाया करें ताकि डबल उनको नज़र आए। ये देखें जी, ये कोशिश करके ज़रा थोड़ी सी तंगी है, कैमरे को नीचे कर लिया करें। देखें ठीक है जी, ये देखें कोई चीज़ ये मीटर शो ही नहीं कर रहा, अंदर से बिल्कुल ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसकी लो साइड भी देख लेता हूँ मैं कि वो क्या है इसमें मसला लो साइड में भी। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। लेकिन ये लो साइड भी जो है इसकी, ये देखें ये भी पूरी इसकी कनेक्ट नहीं है, ये अंदर से सारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये देखें इधर से ये हो, ये देखें दिखाएं जी, ये देखें ये फूल के, ये देखें ये IPM, ये देखें मैंने यहाँ से अब देखा है। ये देखें अगर ज़्यादा करेंगे तो उन्होंने कहना पता नहीं ख़राब कर दिया। चलो तो ये देखें यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें पिन इसके अंदर जा रही है, ये भाई फट गया। ये देखें सारा IPM फटा हुआ है यहाँ से। ये हम दोबारा इसको ज़रा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, लेकिन ये IPM यहाँ से फटा हुआ है। तो इसमें इसकी हाई से लो साइड चलेगी इधर। तो अब इसका मेन IC भी चेक कर लेता हूँ मैं इस सिलसिले में, तो शायद इसमें भी मसला आ गया हो। ये मैक्रो प्रोसेसर इसका चेक करने लगा हूँ मैं, तो अब इसको लगाता हूँ मैं। ये देखें जी यहाँ से, ये देखें ये मैं इसको ये ऑटो पे लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे ग्राउंड इसकी कहाँ से लें, ग्राउंड इसकी ले लेते हैं हम। ये देखें यहाँ से ये है, तो ये 78.5 ये लगा हुआ है। तो यहाँ से हम अब ये देखें यहाँ पे ये ग्राउंड है इसकी, तो ग्राउंड पहले चेक कर लेता हूँ ताकि ग्राउंड ये इस पे लगी हुई है या नहीं। ये ठीक है, ये ठीक हो गई, ग्राउंड आ गई। तो अब बजर पे लगाता हूँ मैं इसको, तो अभी मैं देख लेता हूँ इसको बजर पे। तो यहाँ पे मैं इसकी ये देखें ये चेक करने लगा हूँ, तो यहाँ पे इसके बगर बोलनी नहीं चाहिए। देखें ये देखें भाई, ये यहाँ पे ये शार्ट हो चुका है, ये पिन्ने इसकी सारी पिन्ने ही शार्ट हैं इसकी, तो इधर से भी शार्ट हो गई। और ग्राउंड इसकी जो, तो अब यहाँ से भी ये टनल, ये मैक्रो प्रोसेसर जो है ये शार्ट हो चुका है। ये चेक कर लिया हमने, ये शार्ट है मैक्रो प्रोसेसर इसका। तो ये शार्ट किस वजह से हुआ, ये देखें इस वजह से शार्ट हुआ है कि E7 कह रहे हैं इसमें इसलिए आए क्योंकि ये डेड होगी कि T7। यहाँ से ये इसमें पहले इसने क्या किया, यहाँ से ये अंदर से टर्नरी शार्ट होके इसकी लो साइड पे चला गया। लो साइड से ये सारा जो है यहाँ से ये इसको सिस्टम में चला गया, ये हाई वोल्टेज चले गए, जिसकी वजह ये भी शार्ट हो गया अंदर से, और ये भी। और ये किट अब इस काबिल नहीं है कि हम इस पर मेहनत करें या इसे रिपेयर करें। तो शुक्रिया जी इसके साथ ही जी वीडियो देखने का आपका। तो ये ऐसे सिलसिले, ऐसे मसले, ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम इसलिए आपको दिखा देते हैं, वीडियो बना देते हैं, ताकि आपको भी कभी ये काम आए तो आपको कोई मसला ना पेश आए। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।